हेलो गाइज, मैं उमेश चौहान। तो भाई हमारे भाई सचिन सनसनवाल, जिनका फादर मोटर्स के नाम पे चैनल है यूट्यूब पे, तो भाई वो गाड़ी ले रहे हैं वैगनार एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी। तो भाई उनकी सुबह सुबह कॉल आई थी कि भाई आज गाड़ी की डिलीवरी है, आ जाओ। तो भाई हम आ चुके हैं अभी पलवल रॉयल मोटर्स पे। तो एक बार ना हम इसकी पीडीआई कर लेते हैं, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। उसमें अपनी पूरी गाड़ी हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, पेंट वगैरह में, टायर वगैरह कब के हैं इसके, मैनुफैक्चर वगैरह कब की, यानी कि ऑल चीज़ वो उसकी चेक कर लेते हैं पीडीआई में। तो ये पीडीआई होती कैसे कैसे भाई, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं ना आपको। तो मैं बताता हूँ कि भाई आपको पीडीआई करते कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भाई आपकी गाड़ी कहीं रिपेंट तो नहीं है या कहीं लगी तो नहीं है, वो चीज़ चेक करनी है। जैसे इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए, वो देखने की हाँ प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसकी फिनिशिंग वगैरह कैसी है, कहीं आपको लगता तो नहीं कि भी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई वगैरह है, टायर वगैरह कब के बने हुए हैं, यानी कि सारी चीज़ चेक करनी होती है पीडीआई में ना। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट पे पहले ये देखते हैं कि ऐसे मतलब इसकी ग्रिल वगैरह होगी, ये सब कुछ ठीक है ग्रिल वगैरह, जैसे इसकी यहाँ पे कहीं आपको डाउट तो नहीं लग रहा कि यहाँ से मतलब ये फिट नहीं है, इस यहाँ से लाइट वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो, ये सब चीज़ ना ऑल ओवर है फ्रंट में। तो इसकी यहाँ पे ओके है। जैसे यहाँ पे हो गया फॉग लैंप, ये पार्ट उन्होंने एज एसोसरीज पार्ट अलग से लगाया है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी ना बिना एसोसरीज के देते नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे फिनिशिंग वगैरह सारी कुछ ठीक है, कि आपको लग तो नहीं रहा कि कोई पार्ट डैमेज वगैरह है यहाँ से। भाई अगर हम किसी फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट से तो भाई डन है पीडीआई। इसकी बात करें इसकी साइड से, तो सबसे पहले देखते हैं भाई टायर। तो भाई टायर कब का बना वो आप चीज़ कैसे चेक कर सकते हो, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको DOT WR CTR 0222, यानी कि यहाँ पे चार डेट मिलेंगे आपको लास्ट में, 0222 हो गया ईयर और 02 हो गया ये वीक, ये कौन सा वीक है, यानी कि दूसरा वीक जनवरी का ये, और ये हो गया ईयर, यानी कि ये 10-1 जनवरी का राउंड ये बना है। तो भाई यहाँ से अपनी टायर की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे हो गया इसका स्टील व्हील रिम जो कि ऑल ओवर ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं कार में अपना रस्ट वगैरह तो नहीं है, पूरी कार में अपना आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो अपनी, आपको लगता है कि कहीं भी पेंट में आपको डाउट लगता है कि पेंट भी थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो ऑल ओवर अपनी ऊपर से नीचे तक, यानी कि ना पूरी गाड़ी अपनी एक बार पीडीआई कर लो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से भी सब कुछ ठीक है। यहाँ से आपको लगता है कहीं कोई डाउट लगता है तो आप उनसे क्लियर बोल सकते हो कि भाई मेरे को डाउट लग रहा है, भाई मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए दूसरी गाड़ी। इसमें ऑल ओवर सब चीज़ अभी तो ठीक लग रही है देखने में। ऐसे आप जैसे रियर वाला टायर है, फ्रंट वाला तो हमने अभी देखा था, अब देख चेक करते हैं रियर वाला टायर कि रियर वाला टायर कब का है। ये भी सेम है 0222, यानी कि दूसरा हो गया वीक और ये हो गया ईयर। तो इस साइड से भाई पीडीआई इसकी ठीक है, ऊपर से देख सकते हो आप, मेरे को कहीं लग नहीं रहा कि भाई पेंट वगैरह में कोई दिक्कत है। सब चीज़ अपनी चेक कर लो ऑल ओवर। बात करें इससे पीछे से, तो पीछे से अपना यहाँ से अपना देख लो कि भाई कोई गैपिंग वगैरह तो नहीं लाइट वगैरह में, जैसे लाइट वगैरह उन्होंने चेंज तो नहीं कर दी। ऐसे करके आप अपनी पूरी अपनी चेक कर लो ऑल ओवर, जिस पीछे रियर बम्पर वगैरह हो गया सारा कुछ अपना, यहाँ से आप ऑल ओवर चेक कर सकते हो इसका पेंट वगैरह सारा कुछ। ये तो अभी गंदी हुई पड़ी है ना, तो इस वजह से लगे इसे यहाँ से देखो ना तो साफ़ हो जाएगी। देखो यहाँ से ये, तो जब भी अपनी पीडीआई करो ना तो अपने पहले पूरी गाड़ी ना पहले ऑल ओवर क्लीन करा लो, क्योंकि क्लीन होने के बाद पता चलती है। वैसे तो वॉशिंग होके आई है, लेकिन आपको पता कि वॉशिंग कैसे करते हैं, लेकिन अगर पीडीआई आपको अच्छे से करनी है तो भाई कह दो कि वॉशिंग करने के बाद भाई मेरे को गाड़ी साफ़ करके दो बिल्कुल कपड़ा मार के, तब पता चलती है पीडीआई की। यहाँ पर आप क्रोम वगैरह देख सकते हो कि क्रोम वगैरह इसका ठीक है। यहाँ से अपना ऑल ओवर अपना चेक कर लो, तो ही मेरे को लग रही है पीडीआई इसकी ठीक है। यहाँ पे इसकी फिनिशिंग वगैरह देख लो कि ये सही है अपना, इस यहाँ पे लाइटिंग की गैपिंग वगैरह होगी इसकी, लाइट वगैरह अपना ये लाइट भी ना जला के चेक कर लेनी चाहिए कि भाई लाइट ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से अपना देख लो कि भाई रस्ट वगैरह तो नहीं है कार में, क्योंकि नई कार रस्ट तो वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता शोरूम वालों का कोई गड़बड़ी कर दें। यहाँ से अपना ऑल ओवर अपना पेंट वगैरह देख सकते हो डोर का, जो आपकी गाड़ी मैं अपना सर डोर ओपन करता हूँ बिल्कुल। यहाँ तो देख लो कोई यहाँ पे कोई रस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ना यहाँ कर ना गाड़ी बहुत जल्दी रस्ट पकड़ती है यहाँ कर। यहाँ से अपना चेक कर लो ऑल ओवर फिनिशिंग वगैरह, पहले बाहर से एक बार कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर से, फिर करेंगे इसके इंटीरियर वगैरह से। तो भाई जो इसके एक्सटीरियर से तो भाई पीडीआई लगी इसकी ठीक है। अब देखते हैं इसके इंटीरियर से चेक करते हैं पीडीआई कि इंटीरियर से ठीक है नहीं है। सबसे पहले साइड करते हैं हम को ड्राइवर साइड से, शुरुआत करते हैं हम इसकी, ये कुछ होगी इसकी को ड्राइवर साइड। यहाँ पे इसकी आप अपनी फिनिशिंग वगैरह देख लो कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं लगती आपको कहीं,
जो हम देख रहे हैं वैगनार एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी है, तो ये सारी कुछ ठीक लग रही है। बट इन्होंने ना हमें फ्रंट में उन्होंने स्पीकर डाल दिया उन्होंने दो, क्योंकि आपको पता कि बिना सुसरी देते नहीं, जैसे यहाँ पर टच स्क्रीन वगैरह होगी ये उन्होंने अलग से लगाई है एज ए सुसरीज, क्योंकि बिना सुसरीज के ये गाड़ी देते नहीं है। तो भाई एक्सटीरियर से तो भाई पीडीआई इसकी डन है, अब चेक करते हैं इसकी इंटीरियर से इसकी पीडीआई। तो भाई एक्सटीरियर से तो हम इसकी पीडीआई कर चुके हैं, अब करते हैं इसकी इंटीरियर से कि इंटीरियर से कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वो चीज़ देखते हैं जो कुछ होगी। इसकी ड्राइवर डोर यहाँ पे ऑल ओवर देख लें कि ये पावर विंडो के स्विच है जो अपने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे अपना ये डोर ओपन करने का ये काम कर रहा नहीं कर रहा, लॉक अनलॉक का स्पीकर वगैरह तो उन्होंने जैसे उसके पार्ट अलग से लगाए हैं। यहाँ पे कुछ मिल जाती है आपको इसकी वार्निंग वगैरह, यहाँ पे कुछ आपको इसकी, और चेक करते हैं एक बार अंदर इंटीरियर से कि सारा कुछ ठीक है, फिनिशिंग वगैरह इसकी बेकार तो नहीं। अगर आपको लगता है ना कि हाँ कोई दिक्कत है तो आप शोरूम से कह के आप अपनी गाड़ी चेंज करा सकते हो, क्लियर बोल दो कि भाई मेरे को गाड़ी ये नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लच ऑन है, तो ये अपनी स्टैंग वगैरह देख लो कि स्टैंग वगैरह ठीक है यानी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। यहाँ पे अपना ये देख लो कि ये सब कुछ काम कर रहा नहीं कर रहा है, इसका वाइपर वगैरह हो गए फ्रंट से इसके, यहाँ से यहाँ पे इधर इसकी हर्ज लाइट होगी, ये अपना प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही। यहाँ पे इसकी एसी वगैरह होगी वो चेक कर सकते हो अपनी, यहाँ पे अपनी फिनिशिंग वगैरह देख लो पूरी की फिनिशिंग वगैरह ठीक है आपकी या नहीं है। अगर आपको 1% भी डाउट लगे ना तो भाई सीधा बोल दो शोरूम वालों से कि मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कोई पीस दे दो कोई भी। यहाँ पर उन्होंने एज एसोसिएट पार्ट अलग से लगाया उन्होंने पाइनियर का, यहाँ से अपना ये अपनी केबिन की लाइट वगैरह चेक कर लो। यहाँ पर अपना ये पैडल वगैरह अपना देख लो कि हाँ भी पैडल वगैरह जैसे भी अपना ये यहाँ से अपना ऐसे फ्यूल लाइट का भी काम कर रहा प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। मैंने एक बार इसकी लाइट जला के दिखाता हूँ कि लाइट इसकी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, यहाँ से देखो काम कर रही है प्रॉपर, यहाँ से भी है यहाँ से भी है। मैं एक बार देखता फॉगलम वगैरह ऑल ओवर हर्ज लाइट वगैरह सारा कुछ आपको चेक करके दिखा देता हूँ मैंने आपको एक बार पूरे ऑल ओवर। फॉगलम वगैरह आप इसके यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ से इसको होगी फॉगलम, यहाँ से होगी इसकी हर्ज लाइट वगैरह। तो यहाँ से देख लो भाई इसको ना आप, यहाँ से होगी इसके टर्निंग इंडिकेटर, यहाँ पे होगी इसके फॉगलम वगैरह, यहाँ पे होगी इसके ये टर्निंग इंडिकेटर, यानी कि ऑल ओवर सब अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो भाई लाइट वगैरह चेक कर चुके, अब देखते हैं एक बार पीछे से कि पीछे से यहाँ से हमने ओपन किया था तो ये अपना प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ से इसकी लाइट वगैरह होगी, यहाँ से लाइट वगैरह इसकी प्रॉपर काम कर रही है, यहाँ पे इसके इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ ऑल ओवर ओके है। तो भाई रियर से इसका बूट वगैरह ओपन करके एक बार चेक कर लो कि आपको लीकेज वगैरह तो नहीं लगी सिलेंडर वगैरह में, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर है तो भाई थोड़ा सा डर तो होता ही है। यहाँ से यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलती है आपको, जैसे आपको कोई बंद करना पड़ जाए या गैस वगैरह लीकेज हो जाए तो आप लाइन वगैरह देख लो कि आपको कहीं लीकेज का कहीं वो तो नहीं लग रहा डाउट, अगर आपको कहीं लीकेज का डाउट लग रहा तो आप सीधा बोल सकते हो उनसे। यहाँ पे कुछ हो गए इनके स्पेयर व्हील सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, तो पीछे से मेरे को लग रही पूरी प्रॉपर है, पार्सल ट्रे वगैरह इसकी सब कुछ हो है इसमें। अब चेक करते हैं इसकी रियर डोर से, ये कुछ होगी इसकी रियर डोर है, यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यहाँ पे डोर ओपन करने का सब कुछ ओके है या नहीं है, सब चीज़ ऑल ओवर चेक कर लो, फिनिशिंग वगैरह भाई कैसी है कैसी नहीं है सब चीज़ देख सकते हो अपना आराम से, अपना आप चेक कर लो पीछे इसके सस्पेंशन वगैरह, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज़ ना अपनी चेक कर लो अपनी, कहीं भी कोई डाउट लगता है आपको तो भाई सीधा बोल दो शोरूम वालों को कि भाई मेरे को ये पीस नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा पीस दे दो इसी कार में, आपको दूसरा पीस भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आप मना कर दोगे कि मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो भाई अंदर से ना आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ अभी, जैसे यहाँ से मैंने कर दिए, जैसे यहाँ से अपने पावर विंडो के स्विच अपना यहाँ से देखो ये फ्रंट वाला मिलता है आपको इसे ऑटो में, और को ड्राइवर साइड वाला ये भी अपना ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये सीएनजी का सिलेंडर है ना ये, तो भाई इसकी ये पहले मतलब अपनी ये टेस्टिंग वगैरह करके देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिलता है इसका फ्यूल टैंक का पेट्रोल का, और राइट साइड मिलेगा आपको यहाँ पे सीएनजी का, यहीं पे यानी कि सीएनजी अभी इसकी फुल है, यानी कि उन्होंने अपनी जो मतलब कि सेफ्टी के लिए चेक वगैरह कर रखा कि कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, उन्होंने पहले अपना चेक कर रखा सीएनजी सिलेंडर की अपना टेस्टिंग वगैरह जो करते हैं अपने टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ चेक कर रखी। यहाँ पे अपना पूरा ये अपना चेक कर लो कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है, यहाँ से अपना ये भी हमने चेक कर लिया। तो अपनी गाड़ी को भी स्टार्ट करके भी देख लो कि भाई अपनी गाड़ी मतलब कि इंजन वगैरह साउंड वगैरह सब चीज़ ठीक है, गियर वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहले ना अपनी गाड़ी को हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, तो फैन स्पीड कितनी हाई कर रखी है इसकी,
तो पहले मैं एक बार ऑन करता हूँ, पहले मैं एक बार इसको यहाँ से देखूँ केबिन में साउंड वगैरह कुछ ज़्यादा तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। स्टार्ट है गाड़ी, स्टार्ट है। यहाँ से हम इसको लेते हैं पॉइंट वगैरह, यहाँ से इसका तो यहाँ से साउंड वगैरह चेक कर लेंगे, साउंड वगैरह ठीक है या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रेस्ट वगैरह तो नहीं है। देखो इंजन वगैरह ये क्या वाइब्रेट से क्यों कर रहा है इतना यार, गाड़ी तो सही है वैसे, वाइब्रेट से ज़्यादा कर रहा है इंजन यार ये। एक बार मैं थोड़ी रेस वगैरह दिया एक बार हल्की सी, तो ये सारा चीज़ें चेक कर ले। यहाँ पर देखो अभी पानी भरा हुआ है, दो इंजन से वॉशिंग की उन्होंने। तो वही इंजन के साउंड वगैरह अपना सारा कुछ चेक कर लो नीचे तक, अपना सारा कुछ अपना, कहीं कोई रस्ट वगैरह कहीं कोई कुछ वैसा तो नहीं है, कोई पार्ट खराब तो नहीं लग रहा या कोई नट वगैरह ऐसे लूज वगैरह तो नहीं है, यानी कि ऑल ओवर सारा कुछ अपना चेक कर लो सब कुछ अपना। यहाँ पर होते हैं इसके सिलेंडर जो अपने होते हैं 1 2 3, पर थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा सा कर रहा है कुछ, देखना यार कितना देखना ये। तो साउंड वगैरह भी सब चीज़ इसकी ठीक है, सब चीज़ साउंड वगैरह इसकी केबिन वगैरह में भी, जैसे केबिन में देख रहे हैं ना तो केबिन में ठीक लग रही है। इसकी एसी वगैरह चेक कर लो, ऐसे यहाँ से हम इसकी एसी वगैरह कूलिंग वगैरह अपनी ऐसे यहाँ से, यहाँ से अपना ये ओपन कर लेते हैं एसी वेंट, कूलिंग वगैरह ठीक है, कूलिंग वगैरह भी इसकी क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल लो है इसका, ये यहाँ से मैनुअली अपना जैसे गियर वगैरह अपने चेक कर लो कि गियर वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं लग रहे, यानी कि ऑल ओवर ना भाई सारा चीज़ चेक देख लो अपना सब कुछ ठीक है या नहीं है, हैंड ब्रेक वगैरह सारा कुछ अपना। बट जब भी अपना PDI करो अपनी कार की तो अपनी कार को ना अपना एक आंधे का खड़ी कर लें यहाँ से, ये उसका अपना CNG का और पेट्रोल का यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो उसको, यहाँ से कर देते हैं इसको बंद। तो जब भी अपनी गाड़ी को मतलब अपना PDI करो तो पहले तो अपनी गाड़ी को मतलब बिल्कुल क्लीन करा लो, उनसे बोल दो अगर क्लीन आपकी गाड़ी नहीं करते हैं तो वो उनसे बोलो कि क्लीन करें गाड़ी को, और क्लीन करने के बाद गाड़ी अपना कपड़ा वगैरह लगवा लो अपना, यानी कि पूरे अपना कहते हैं ना कि पूरी गाड़ी कह दो चमकवा दो, वो वाली कहानी कि अपनी पूरी गाड़ी चमकवा लो तब PDI करो, और अपना एक जगह पे अपना जैसे अपना धूप वगैरह है तो धूप वगैरह में ले जाकर अपना तब अपनी चेक करो, क्योंकि धूप में क्या है कि अपना पूरी गाड़ी ऑल ओवर क्लियर हो जाती है पेंट वगैरह सारा कुछ, क्योंकि जब अपने छाया वगैरह में आपको जितनी दिखेगी जितनी आपको धूप वगैरह में दिख जाती है। तो अपने जैसे हमने इसकी हो गई पेडल वगैरह ये भी अपना चेक कर लो, जैसे क्लच वगैरह ब्रेक वगैरह रेस वगैरह सारा कुछ ऑल ओवर ठीक है नहीं है। तो मैंने तो भाई इसकी पूरी PDI कर ली है भाई, पूरी ऑल गाड़ी इसकी ठीक है, लेकिन अब दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है भाई, जो उन्होंने एसोसीरीज लगा रखी है ना वो लगा रखी है ना 34,000 रुपये की, 34,000 में क्या है सेंटर लॉकिंग है भाई जो काफ़ी महंगी लगा रखी है उन्होंने ना, सीट कवर हो गई, स्टेयरिंग कवर हो गया, ये पाइनियर का हो गया, म्यूजिक स्टूडियो जो कि इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने फ्रंट में डाल रखे हैं उन्होंने दो स्पीकर, और इनके ना मैट वगैरह देखो, और मैट वगैरह कितने गंदे हैं इनके ना, यहाँ पे देखना क्या यार ये मैट देखना कोई है समझ से कोई पन्नी हो जैसे कोई है। तो भाई CNG गाड़ी पर दिक्कत होती है क्योंकि यार बिना एसोसरीज के ना गाड़ी देते नहीं है ये, और इसकी रिव्यू वगैरह टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा जल्दी। तो भाई कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।